सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड फिल्म निकाह में लीड एक्ट्रेस का किरदार अदा करने वाली एक्टर नगमा आगा ने हिंदुस्तान में तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने के फैसले को एक पॉजिटिव फैसला बताया। सलमा आगा बोली, ये बहुत ही पॉजिटिव फैसला है, इसका सारा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है, इतिहास में आज के दिन को लिखा जाना चाहिए। सलमा आगा ने आगे कहा कि न सिर्फ तलाकशुदा औरत बल्कि उसकी पूरी जनरेशन को परेशानी उठानी पड़ती है। सलमा बोली, इस मसले को लेकर 6 महीने बाद जो भी कानून बने बेहद कड़ा कानून बने। बता दें कि बॉलीवुड फिल्म निकाह तीन तलाक पर बेस्ड फिल्म थी और इस फिल्म में इस बात से पर्दा उठाया गया था कि एक तलाकशुदा औरत जिंदगी में किन किन मुश्किलों का सामना करती है। यहां तक कि फिल्म का नाम भी तलाक 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 था, लेकिन बाद किन्हीं कारणों से बदलकर इसका नाम निकाह रखा गया। इस फिल्म के बारे में सलमा आगा ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी फिल्म निकाह को तीन तलाक की प्रथा खत्म करने का क्रेडिट जाता है। उस दौरान हमने इस फिल्म को बनाने का रिस्क लिया था। सलमा आगा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए पीएम मोदी को क्रेडिट दिया और कहा कि मैं बेहद खुश हूं और उनकी शुक्रगुजार हूं। इस फैसले पर कुछ लोगों के विरोध पर एक्ट्रेस ने कहा, विरोध करने वाले लोग अपने किसी मकसद से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कुरान में कहीं भी तीन तलाक के बारे में नहीं लिखा गया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ आए फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है कि भारत की प्रोग्रेस की तरफ एक अहम कदम है, फाइनली एक पुराने और बेकार ट्रेडिशन का खात्मा हुआ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।